की तारीफ करते करते तुम्हारे होठ नहीं सूखते। क्या परिस्थिति चुनाव ने तुम पर लादी उद्धव जी? मेरे सामने सच में यह प्रश्न आज उपस्थित होता है। अरे वो जमाना था जिस समय पाकिस्तान हम पर हमला करता था, पाकिस्तान का हमला होने के बाद हमारे सैनिकों को मार दिया जाता था। हमारे प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे हम पाकिस्तान का निषेध करते हैं, वो फिर आते थे, फिर मार देते थे, फिर कहते थे हम उनका कठोर शब्दों में निषेध करते हैं, वो फिर आते थे, फिर मार देते थे, फिर कहते थे हम उनका कठोरतम शब्दों में निषेध करते हैं, वो वापिस आते थे और मार देते थे, तो ये कहते थे अब की बार मारा तो देखो हम यूनाइटेड नेशन में जाकर आपके खिलाफ शिकायत कर देंगे। दोस्तों, इस देश में नरेंद्र मोदी नाम का एक ऐसा शेर पैदा हुआ जिसने कहा पाकिस्तान खबरदार, अगर मेरे देश में घुसकर मेरे जवानों को मारने की कोशिश की तो तेरे देश में आकर तेरे जवानों को कुचलने की ताकत मैं रखता हूं। किसके बारे में बोल रहे हैं? जरा विचार करके बोलिए। अरे 56 इंच का सीना लगता है पाकिस्तान में घुसकर वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए। लेकिन आपकी नाराजी दूसरी है, आपकी नाराजी नोटबंदी के ऊपर है, डिमोनेटाइजेशन के ऊपर है। आप कहते हैं नोटा बंद हो गई, इससे लोगों को तकलीफ हुई। लोगों को कितनी तकलीफ हुई मुझे पता नहीं। अरे लोगों ने तकलीफ सहन की, लोग लाइन में खड़े थे, लाइन में खड़े लोगों के पास कैमरा लेकर हमारे पत्रकार जाते थे, कहते थे आपको क्या लगता है इस लाइन में आपको खड़ा रहना पड़ रहा है? वो उस आम आदमी कहता था बात तो सही है, लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, लेकिन वो कहता था फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि काले धन के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी ने ये जो जंग चालू की है, इस जंग में मोदी जी के साथ में मैं हूं। अरे आम आदमी तो मोदी जी के साथ में इस जंग में आ गया, केवल वही नेता मोदी जी की इस जंग को विरोध कर रहे हैं, जिनको नोट बंद होने के कारण नुकसान हुआ, जिनको नोट बंद होने के कारण उनके ऊपर ये परिस्थिति आई कि जो जमा किया था उसका वो क्या करे, इसका हिसाब ही उनके पास नहीं बचा। ऐसे ही लोगों ने इस नोटबंदी का विरोध किया। मैं पूछना चाहता उद्धव जी, आप भी उस कतार में जाकर क्यों खड़े हो गए? क्या आपको भी इससे इसी प्रकार से तकलीफ हुई है? एक बार इसका भी जवाब तो दे दो। अरे आम आदमी डीमोनेटाइजेशन के बाजू में खड़ा है और इसलिए खड़ा है कि डीमोनेटाइजेशन के माध्यम से इस देश के काले धन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी ने तीर चलाया और उस तीर को निशाने पर ऐसा मारा कि एक तीर में 3 निशाने लग गए। पहले निशाने में इस देश का काला पैसा, इस देश में काला धन रखने वाले, इनके ऊपर तीर चला, सारा का सारा काला धन उनको बाहर निकालना पड़ा। दूसरा तीर पाकिस्तान के ऊपर चला, जो पाकिस्तान हमारे देश में नकली नोटे लाता था, हमारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस करता था, ये दूसरा तीर चला, देश की सारी नकली नोटे एक रात में खत्म हो गई। और तीसरा तीर आतंकवादियों पर चला जो इसी देश में पैसा कमाकर इसी देश में बम विस्फोट करते थे, कश्मीर में पत्थर मारते थे। आज अवस्था ऐसी हो गई कि आतंकवादियों ने जमा किया हुआ पैसा रद्दी का कागज बन गया। जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।